हम ट्रैप्स का मसाज करा लेते हैं, हम चेस्ट का मसाज करा लेते हैं, लेकिन जहां पे ये उंगली यहां पे दबाता है ना मसाज वाला, ए भाई ये नहीं चाहिए। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to a brand new episode. सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं ये विश करने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया। Happy New Year to you and your family. Actually, जो लास्ट वाली वीडियो शूट की थी हमने वो लास्ट ईयर में शूट कर ली थी, तो ये आज हम शूट कर रहे हैं जो न्यू ईयर में, तो सबसे पहला काम मैं आपको बोल रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर। दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और ब्लेसिंग्स है मेरी सबके साथ कि आप लोगों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए, आपके परिवार वाले आप और हेल्दी रहो और काम पे फोकस करो, काम करो, नाम करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अचीव कर सकते हो आप 2021 में। 2020 जो था वो एक पास्ट था जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, और 2021 में उस सीख को आप बोलते हैं ना लेसन लर्न, वो लेसन को आप अगर आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली 2021 में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू अ वेरी प्रोडक्टिव ईयर अहेड। बात करते हैं आज के टॉपिक की, तो आपने जब थंबनेल देखा होगा कि हाउ टू ग्रो बाइसेप, तो आपको लगा होगा यार ये जुनैद भाई तो जिम में जाएंगे और चार पांच एक्सरसाइज बताएंगे, जो यूजुअली ऐसे ही होता है कि ये वाली एक्सरसाइज कर लो। मैं भी बताता हूँ इंस्टाग्राम पे कभी कभी कि बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बाइसेप्स, तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो नीचे दी हुई लिंक है, उस पर आप फॉलो कर सकते हो। मैं स्टोरीज पे बताता हूँ, लेकिन आज मैं एक्सरसाइज नहीं बताने वाला हूँ, आज मैं इसका लॉजिक बताने वाला हूँ कि आपके बाइसेप्स क्यों ग्रो नहीं हो रहे हैं। मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपके बाइसेप कैसे ग्रोएंगे, क्योंकि जब आपको ये बताऊंगा कि आपके बाइसेप क्यों नहीं ग्रोएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। आपके बाइसेप कैसे ग्रोएंगे वो तो आपको बहुत सारे लोगों ने बता दिया, एंड आई एम श्योर दुनिया भर की वीडियो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे होगी, मैंने तो देखी भी नहीं है, लेकिन हाँ थंबनेल दिख जाता है। तो हो सकता है किसी ने मेरे से पहले ये वीडियो बनाई होगी, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा यूट्यूब देख नहीं पाता हूँ, वक्त की थोड़ी कमी रहती है उसकी वजह से। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके बाइसेप क्यों नहीं बढ़ते हैं, तो उसमें आपको कैसे बढ़ाने का आंसर मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आपके बाइसेप नहीं बढ़ने की वजह, आप देखो बाइसेप्स यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ बाइसेप्स नहीं, मैं पूरे आर्म्स को टारगेट कर रहा हूँ, बाइसेप एंड ट्राइसेप, जिसके बाइसेप्स के दो मसल है, ट्राइसेप्स के तीन मसल है, दोनों मिला के पांच मसल हो जाते हैं। बट टेक्निकली अगर आप एनाटॉमी देखोगे तो बहुत छोटे छोटे मसल है एज कम्पेयर टू अदर मसल्स, जैसे आपके शोल्डर से भी छोटे हैं, आपके चेस्ट से भी छोटे हैं, आपके बैक से भी छोटे हैं, तो बहुत ही छोटे छोटे मसल है एज कम्पेयर टू अदर। लेकिन गलती कहाँ होती है ना, नंबर वन लोगों को यही नहीं पता है कि बाइसेप कितनी बार ट्रेन करना है, बिकॉज किसी के बाइसेप अच्छे वो जिम में तीन बार आता है बाइसेप ट्रेन करने के लिए, तीन बार बाइसेप ट्रेन करता है, किसी के बाइसेप अच्छे हफ्ते में दो बार ट्रेन करता है, किसी के बाइसेप अच्छे वो हफ्ते में एक बार करता है, किसी के बाइसेप अच्छे वो हफ्ते में पांच बार कर रहा है। और जो लोग बिगनर रहते हैं, जैसे मैं भी एक टाइम पे था, तो मैं जाता हूँ मैं देखता हूँ वो भैया के तो बाइसेप बड़े अच्छे हैं, आप कितनी बार करते हो, मैं चार बार करता हूँ, आप कितने, क्योंकि आपने सिर्फ वो वर्ड सुन लिया चार बार तीन बार, लेकिन क्यों वो नहीं, और उनके बाइसेप क्यों वो इतनी बार ट्रेन करते हो तो मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात बताऊंगा कि मेरे हिसाब से इतनी बार बाइसेप ट्रेन करना कोई मतलब का ही नहीं है, बिकॉज बाइसेप ट्राइसेप जो है वो आपके हर अपर बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है। अगर आप बैक मार रहे हो तो आपका बाइसेप इज द सपोर्टिंग मसल, अगर आप चेस्ट मार रहे हो तो ट्राइसेप इज योर सपोर्टिंग मसल, अगर आप शोल्डर मार रहे हो तो ट्राइसेप इज योर सपोर्टिंग मसल, और कहीं ना कहीं आइसोटोनिकली ऑल्सो बाइसेप भी इन सारी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक छोटे मसल को आप इतनी बार ट्रेन करोगे, बैक में भी यूज़ कर रहे हो, शोल्डर में भी यूज़ कर रहे हो, चेस्ट में भी यूज़ कर रहे हो, फिर एक दिन बाइसेप ट्राइसेप भी मार रहे हो, तो ऑलरेडी उसके पास में उतना टाइम नहीं है कि उसको रिकवरी मिल जाए, एंड यू गाइज आर गोइंग टू गो ट्वाइस और थ्राइस, तो कैसे रिकवर होगा, लैक्टिक एसिड वहाँ पे जमा होगा। सो नंबर वन थिंग, यू डोंट गिव इनफ टाइम फॉर द रिकवरी। आप लेग्स मारते हो, आप किसी के लेग्स वीक रहते तो हफ्ते में पाँच दिन लेग्स नहीं मारता है, आप मारो अगर किसी को लगता है मेरे लेग वीक है, ऑफकोर्स जिसको लगता है बाइसेप वीक है तो हफ्ते में तीन दिन चार दिन मारने की कोशिश करता है कहीं से भी इन्फ्लुएंस होके, जिसके लेग वीक है वो क्यों चार दिन, कभी आपने देखा किसी को चार दिन या पांच दिन लेग्स मारते हुए, आई कैन बेट यू कि आपने जिम में चार पांच दिन लेग्स मारते हुए किसी को नहीं देखा होगा, आपने बाइसेप मारते हुए जरूर देखा होगा, बिकॉज ये जो है ना दो दिन कंटिन्यू मार लो तीन दिन चल नहीं पाओगे, ये छोटा मसल है लेकिन ये आपको फील करवाता है, बट इंटरनली इसको भी वो मसल को भी फील उतना रहता है, बट इसका दर्द छोटा रहता है तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं।
तो लैक्टिक एसिड इतना जमा हो जाता है कि रिकवरी का मौका ही नहीं मिलता है. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन आपके बाइसेप की ग्रोथ रुक जाती है. बट लोगों को लगता है कि बाइसेप ज्यादा मारने से बाइसेप बढ़ते हैं, दैट इज रॉन्ग. एब्स मारने से फैट नहीं कम होता है, समझ रहे हो? तो बाइसेप ज्यादा मारने से बाइसेप ग्रो, बाइसेप सही तरीके से. तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि बाइसेप कितनी बार मारना चाहिए, आई विल सजेस्ट हफ्ते में एक बार. या तो आप बैक के साथ में बाइसेप कर लो, या तो आप बाइसेप चेस्ट के साथ में बाइसेप्स कर लो, या तो आप बाइसेप एंड ट्राइसेप कर लो. ये आपकी चॉइस है, आपके वर्कआउट स्प्लिट के ऊपर है कि आपको सिंगल बॉडी पार्ट बाइसेप ट्राइसेप करना है यानी छोटे छोटे, या फिर आपको बैक के साथ करना है या चेस्ट के साथ करना है. तीनों भी सही है, बैक के साथ बाइसेप भी सही है, चेस्ट के साथ बाइसेप भी सही है, बाइसेप ट्राइसेप भी सही है. तो मेरे हिसाब से ये तीनों ये चीज आपको एक नजर रखनी चाहिए. पॉइंट नंबर टू की बात करें तो पॉइंट नंबर टू है स्ट्रेचिंग. स्ट्रेचिंग यूजुअली लोग नहीं करते, वार्म अप वर्कआउट से पहले भी नहीं करते वर्कआउट, स्पेशली जब बाइसेप ट्राइसेप होता है. बिकॉज मुझे तो ऐसा लगता है, मेरे लिए तो बाइसेप ट्राइसेप एकदम बोरिंग एक्सरसाइज है. आई डोंट नो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत पसंद आता है और कोई प्रॉब्लम नहीं पसंद आने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार बाइसेप ट्राइसेप के दिन जिस दिन जाता हूँ ना, उस दिन ऐसा लगता है बस यार फटाफट ये दो तीन चार वेरिएशन इसके उसके खत्म हो जाए और मैं निकल जाऊँ. बिकॉज मुझे बहुत कंटाला आता है ट्रेन करने के लिए. एक तो इतना छोटा सा पार्ट है और उसके लिए पूरा एक दिन चला जाता है, बट ट्रेन तो करना पड़ेगा, ट्रेन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा. तो मैं भी बहुत बार स्ट्रेचिंग करना मिस कर देता हूँ, भूल जाता हूँ, जो गलत है, एज अ प्रोफेशनल गलत है. लेकिन जो मैं सच बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ. बाइसेप की स्ट्रेचिंग इतनी ईजी है, ट्राइसेप की स्ट्रेचिंग इतनी ईजी है कि जिसके हद, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं. हम बैक मारते हैं, हम पकड़ के स्ट्रेच करते हैं, हम चेस्ट मारते हैं, बिकॉज उस यू नो वो पेन इतना देता ना कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो हम फटाक से स्ट्रेच करते. बाइसेप को हम स्ट्रेच ही नहीं करते, ट्राइसेप को हमने स्ट्रेच ही नहीं किया, तो अगेन स्ट्रेच नहीं किया तो रिकवर कैसे होगा, मसल का लैक्टिक एसिड कैसे रिलीज होगा. बहुत सारे साइंटिफिक पॉइंट है जो मैं साइंटिफिक बात नहीं करता हूँ. एज मैंने बताया कि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ अपने एक्सपीरियंस से बनाता हूँ, मैं कोई साइंस इसमें नहीं डालता, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं एनाटॉमिकल लेक्चरर हूँ. लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो मैंने 10-11 साल में जितनी नॉलेज हासिल करी है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो मुझे आप लोगों को बताना चाहिए. तो बाइसेप की स्ट्रेचिंग बहुत ही सिंपल रहती है. आप ये हो गए स्ट्रेच, 3 बार 15-15 सेकंड के लिए पकड़ लो. मेरे से ये नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ, वॉल पे ऐसा हाथ लगा देता हूँ कोई भी ऐसा वॉल पे, और इसको वहाँ पे टच करने की कोशिश करता हूँ ऐसा हाथ पकड़ के, तो ऑटोमेटिक स्ट्रेच है. ट्राइसेप की स्ट्रेचिंग सर के पीछे से ले लो, कर लो. मेरे से नहीं होता तो मैं ऐसा वॉल पे लगा के ऐसा वॉल की तरफ झुकने लगता तो ऑटोमेटिकली जाता है. इट्स वेरी इजी. और आप किसी भी जिम में जाओगे, ट्रेनर को पूछोगे तो आपको बता देगा कि भाई स्ट्रेचिंग कैसे होती है. दो स्ट्रेचिंग करनी है, बाइसेप की एक, ट्राइसेप की एक, बट हम लोग वो नहीं करते. तो हाउ यू थिंक कि आपका मसल जो है इंटरनली ग्रो होगा? नहीं होगा. स्ट्रेचिंग ही इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. नंबर 3 जो बात करते हैं, एक्चुअली मुझे पानी की बहुत प्यास लगती है बोलते बोलते, इसके लिए आज मैंने पानी का ग्लास और बॉटल लेके बैठ गया. तो नंबर 3 जो है, जो हम मसाजेस लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मसाज लेना बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू आर अ रेगुलर जिम गोयर, आप अगर रेगुलरली हफ्ते में 5 दिन मिनिमम 4-5 दिन जिम जाते हो, तो आपको मसाज लेना बहुत ज़रूरी है. मैं सजेस्ट करता हूँ 2 हफ्ते में एक बार या 4 हफ्ते में एक बार, डिपेंड्स यानी कि आपके इंटेंसिटी कितना है. इसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, तो इसको मर्ज नहीं करते, जब मौका मिलेगा तब बना दूंगा कि किस तरीके से कितना इंपॉर्टेंट होता है मसाज और उसके इंपॉर्टेंस. लेकिन जब हम मसाज कराने जाते हैं ना, आप नोटिस करना, जितने लोग कराते हैं वो नोटिस करना, जितने नहीं कराते उनको तो पता ही नहीं चलेगा. हम लोग बैक का मसाज करा लेते हैं, हम शोल्डर का मसाज, मैं भी हम बैक का मसाज करा लेते हैं, हम शोल्डर का मसाज करा लेते हैं, हम ट्रैप्स का मसाज करा लेते हैं, हम चेस्ट का मसाज करा लेते हैं, लेकिन जहां पे ये उंगली यहां पे दबाता है ना मसाज वाला, ए भाई ये नहीं चाहिए. बिकॉज ये इतना टाइट रहता है तुम्हारा मसल इंटरनली, तुमको ऐसा लगता है ओ मजा आ गया यार, मजा आ गया मेरा बाइसेप देख. तुम्हारा मसल इंटरनली टाइट है, वो कभी भी डैमेज भी हो सकता है, यू हैव नो आइडिया. इसके लिए स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है. अगर मसल इनसाइड फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा तो मसल टेयर होने के भी चांसेस है. इसके लिए बोलते हैं ना, हर एक चीज़ रिलेटेड है. मैं एक एक चीज़ की डिटेल में जाऊँगा तो 1 घंटे के वीडियो बन जाएंगे, और उतनी नॉलेज शायद मुझे और गेन भी करनी पड़ेगी. लेकिन बात ये है कि अगर आपको यकीन नहीं आया ना, आप अपना हाथ अभी इस वीडियो को देखते देखते पॉज करो, अपना हाथ बाइसेप के सेंटर में ये अंगूठे से प्रेस करो, आपको खुद यकीन हो जाएगा और रियलाइज होगा कि आपका मसल कितना टाइट है. या आप किसी दोस्त को बोलो जरा प्रेस करके दिखा, रात में मिलोगे, दिन में मिलोगे, सुबह में मिलोगे, मतलब प्रेस कर, तो आपको रियलाइज होगा. जो फ्लेक्सिबल बाइसेप है ना, उसको आप दबाओ नहीं पेन होगा, लेकिन जो टाइट बाइसेप है ना, उसको दबाओ ओह पेन हो रहा है.
तो मसाज जब आप लेते हो तो आपको बाइसेप एंड ट्राइसेप को भी इक्वली मसाज देना है उतने ही ड्यूरेशन के गैप पे जितने आप बड़े मसल को देते हो, बिकॉज दैट्स हाउ इट गेट रिलीज. मसाज का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो अंदर की टाइटनेस है या फिर नॉट्स हो गए या फिर यू नो सब रिलीज करने के लिए आपको मसाज करवाया जाता है. मसाज ये नहीं है कि आप स्पा में चले गए हो, लड़की मसाज कर रही है, आप मजे ले रहे हो, हो सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा हो, उसको मसाज नहीं बोलते. ठीक है, वो रिलैक्सेशन मसाज है, बट आपको जो मसाज लेना है वो दूसरा है. अगेन इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा. तो मसाज में आर्म्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ये आपकी रिकवरी का वन ऑफ द सेंटर है. तो मसाज ले लोगे, स्ट्रेचिंग कर लोगे और ओवर ट्रेन नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपके बाइसेप को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता, अंटिल इफ यू आर प्रॉपरली फॉलोइंग डाइट आफ्टर योर वर्कआउट. अब आप बोलोगे भाई मैं तो जिम जा रहा हूँ, जुनैद भाई ने बोले तो मैं तो 2 साल से जिम लगा रहा हूँ, मेरे बाइसेप आधा इंच भी नहीं बढ़ा. नहीं, खाना भी तो खाना पड़ता है ना, क्योंकि जब आप मसल डैमेज करते हो तो उसके बाद में आपको खाना भी खाना पड़ता है, और खाना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको इधर पे चोट लग गई तो उसके ऊपर मलहम तो लगाना पड़ेगा ना, तो ही तो वो रिकवर होगा. आप बोलोगे मैंने चोट पर लगा दिया, मरहम नहीं लगाऊंगा, ऐसे कैसे, तो खून तो बहता रहेगा. तो खैर ये 3 मिस्टेक ना करें. और एक और चीज़ बताऊँगा, बाइसेप की जो ग्रोथ है ना वो कंपैरेटिवली अदर मसल्स बहुत स्लो होती है. लोगों का बहुत ये कंप्लेंट रहता है कि मेरे बाइसेप्स नहीं बढ़ रहे. मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने मेजर तो नहीं किया लास्ट, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं 2009 में फर्स्ट टाइम बाइसेप मेजर किए थे, तब मेरे 10 इंच के बाइसेप थे, लिटरली 10 इंच के. अगर मेरे को फोटो मिलेगी तो मैं यहां पे लगा दूंगा. 10 इंच के बाइसेप थे और मैंने पहली बार कॉन्फिडेंट में आके 2010 में एक पिक्चर ली थी बाइसेप को थोड़ा सा ऐसा दिखाते हुए, 2011 में. तो मुझे मिलेगी तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे. दैट टाइम 9 में मेरे 10 इंच के थे, तो मुझे नहीं पता अभी मेरे कितने होंगे, 16, 18, चलो 18 मान लेते, मैंने मेजर नहीं किया बट मैं गेस कर रहा हूँ. अगर 18 भी हुए तो आप सोचो 2009 से लेकर 2021 आ गया, उसके अंदर में कितने बढ़े, 8 इंच. तो कितना टाइम लगता है मसल बढ़ने के लिए, तो आपको छोटे मसल को ग्रो करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है. बी पेशेंट, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ये गलतियां करो रोज ट्रेन करने की, ओवर ट्रेन करने की, स्ट्रेचिंग नहीं करने की, मसाज नहीं लेने की. ये सब गलतियां अवॉइड करो, लॉजिक के साथ ट्रेन करो, एंड आई एम श्योर आपके बाइसेप को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप कि मेरी वीडियोज आपको हेल्पफुल है. कैसी लगती है, कैसा आपका फीडबैक है, आप कमेंट करके बता सकते हो. और आप अगर आप चाहते हो कि मैं कोई टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. अगर आपका टॉपिक हमें पसंद आएगा तो आपके नाम के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो बनेगी. सो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल. थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड ऐसे प्यार देते रहो और चैनल को आगे बढ़ाते रहो. बहुत सारा कॉन्टेंट आ रहा है आपके लिए. जय हिंद.